हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पे अमन दी व्लॉग। आई होप सो आप बहुत अच्छे और अच्छे रहिएगा। तो मैं आज ऑलमोस्ट वन वीक मोर देन वन वीक के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और आज है 15 अगस्त। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इट्स 77th इंडिपेंडेंस, सो आप सबको स्वागत है एंड जय हिंद। तो सबसे पहले मैं ये आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ दिल से कि मैं इतने दिन वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मेरे आईज़ में इन्फेक्शन हो गया था। तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, मेरे दोनों आईज़ रेड हो गए थे, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट हाँ, अभी पहले से आँख ठीक हो गई है। बट हाँ, जिस मतलब जैसे मैं बता रहा था ना कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, तो मेरे आँखों में ब्लड थोड़े ज़्यादा आ गए थे, तो जिसके कारण अभी भी रेडिस है। बट हाँ, आँख अब पहले से पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, तो इसलिए मैं आज से दोबारा व्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ, तो माफ़ कर दीजिएगा और मैं मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर चलिए आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। तो आज है 15 अगस्त और हम कॉरपोरेट मजदूर, हमको आज भी काम करना होगा। तो आज मेरा ऑफिस है, बट हाँ मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा हूँ वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। तो मैं अभी मोटो व्लॉग भी करने वाला हूँ कि जहाँ तक मैं जाऊँगा वहाँ तक का मोटो व्लॉग भी करूँगा, और दोस्त के घर जा रहा हूँ तो वहां जाके भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ आया, किसके घर गया। तो फिर चलिए चलते हैं। अभी मैं पूरे तरीके से रेडी हो चुका हूँ, सुबह का नाश्ता पानी हो चुका है, नहा चुका हूँ, अभी निकलूंगा थोड़ी देर में, और निकलने के बाद फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। और अभी रेडी हो चुके हैं, अब निकल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं दोस्त के घर जाऊंगा, उसके पहले एक दोस्त को पिक करूंगा, फिर उसके बाद मैं दूसरे दोस्त के घर जाऊंगा। तो किसको पिक करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं, और आगे चल के आपको सारी व्लॉग दिखाते हैं। और चश्मा कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। तो फिर चलो बाइक पे मिलते हैं। तो फिर चल पड़े अभी। और यहाँ हमारे सोसाइटी में इंडिपेंडेंस डे मनाते हुए बहुत ही अच्छा माहौल होकर रखा है बच्चों का। अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो फिर चलो चलते हैं। आई होप वीडियो क्लियर आ रहा होगा और मेरी वॉइस भी आ रही है। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तभी 16 अगस्त आ गया होगा, बट हाँ मैं जब अभी वीडियो बना रहा हूँ ये 15 अगस्त है, तो इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी हम आए गाय को रोटी देने, मम्मी ने दिया था जो कि देना है गाय को, तो चलिए गाय को रोटी खिलाते हुए। बोलो गाय माता की जय। चलो चलते हैं, गाय को भी रोटी दे दिया और अब चलते। जल्दी जल्दी लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहा है। ये सब मेरे एक दोस्त के कारण, मतलब ऑलरेडी इतनी लेट है, अचानक से बोलता है कि भाई मुझे भी ले लो, मैं भी चलूँगा। तो भाई पहले बता देता तो पहले निकल जाता, ठीक है। अब भाई दोस्त के बिना भी जाएंगे नहीं, उसको भी लेके जाएंगे, तो उसको थोड़ा पिक करना होगा, थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, बट लेते हैं उसको फिर जाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा दोस्त होंगे उतने ज़्यादा मज़ा होगा, साथ में काम करेंगे और इन्जॉय भी करेंगे। और दोस्तों मुझे आप सबसे ये भी बात करना है, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कि है ये कि मैं सोच रहा हूँ अपने चैनल का नेम चेंज करूँ। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि करूँ कि नहीं करूँ। मैंने कुछ अलग नेम सोचा है और मेरे नए चैनल का, मतलब इसी चैनल का बस नाम चेंज करने का मैं सोच रहा हूँ। तो आप ज़रूर से कमेंट करिएगा कि करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि तो बहुत जनों ने बोला है कि नेम चेंज करो, ये बहुत कॉमन नेम है, थोड़ा यूनिक नेम देने के लिए।
इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हाँ चलो करते हैं चेंज, बट हाँ आप सबका भी मुझे कमेंट चाहिए कि आप सबका भी मुझे राय जानना है, क्योंकि आप लोग ही मेरी फैमिली हो। तो फैमिली जब भी कोई नाम चेंज करते हैं तो बोलते हैं ना फैमिली से भी डिस्कस करना चाहिए, तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने अपनी मम्मी से भी डिस्कस किया है, तो मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ ज़रूर कर, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुझे अच्छा लगे वैसा ज़रूर से कर। तो मैं सोच रहा हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर से बताइएगा करते हैं कि नहीं करते। और नया चैनल का मैं अपना नाम सोच रहा हूँ, जैसे कि मैं अमन हूँ, तो मैं आप सबका अमन हूँ, ये नहीं कि सिर्फ मैं खुद का तो मैं हूँ ही, मेरे फैमिली का भी हूँ, बट आप सबका भी मैं अमन हूँ। तो इसलिए इस रिलेटेड मैं अपना नाम चैनल का सोच रहा था कि आप नो अमन नहीं, आप नो एक मारवाड़ी वर्ड है, तो उसका मतलब है अपना, तो इट्स लाइक अपना अमनदीप। तो अपना अमनदीप तो बहुत कॉमन है, तो थोड़ा अलग टाइप का कि आप नो मैं मारवाड़ी भी हूँ तो आप नो वर्ड आ जाएगा और आप नो अमनदीप। तो नाम जो अगर सही लग रहा है कि हाँ चेंज करना चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करिए, अगर नहीं तो आपके उसमें लग रहा है कि हाँ कुछ अलग नाम है आप जो देना चाहते हो, तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि क्या रख सकते हैं। तो फिर चलो चलते हैं, अभी 10:45 बज रहा है, अभी कुछ देर में पहुंचने वाले मेरे पहले दोस्त को लेने के लिए। और अभी हम सिलमपुर पहुंच गए हैं अपने दोस्त को पिक करने। ये कहाँ है ये आप उससे पहले भी मिल चुके, उसका नाम है शुभम। ये कहाँ है दिख तो नहीं रहा है, बोला तो यहीं पे है। दिख गया लौंडा, ये रहा। जल्दी बैठ। और ये अभी हम नोएडा घुसते हुए, ये बुद्धा स्टैचू कितना अच्छा लगता है, इसलिए इसको गौतम बुद्ध नगर कहते हैं। देखते हुए ये पहुंच गए, ये इसी का बिल्डिंग है, मतलब इसका पीजी है। भाई गाड़ी कहाँ रखेंगे, अच्छा यहीं रखते हैं यहाँ छाँव में। और अभी हम दोस्त के घर आ गए, जैसा कि मैंने दिखाया था, अभी हम काम कर रहे हैं ऑफिस का। अभी थोड़ा छत पे आया है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, पतंगे उड़ रही है, हवा चल रही है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये देखो एक पतंग उड़ा और एक पतंग उड़ रहा है, ये दोनों पतंग आपस में पैच लगाते हुए। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है, बादल होके रखा है जैसे कि आपको दिख रहा है। और शुभम क्या कहना चाहते हो मौसम के बारे में? भाई मौसम मस्त हो रहा है, बस उड़ाने के लिए पतंग नहीं है। तो तुम खुद उड़ जाओ, तुम तो वही 50 किलो के। और एक वो सौरभ लौंडा जैसे कि मैंने पहले दिखाया था, जब देखो फोन में चिपका हुआ रहता है। तो फिर थोड़ी देर और छत पे हवा खाते हैं, फिर ऑफिस का काम करते हैं, फिर ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे। हेलो गाइस, अभी हमने पिज्ज़ा खाया, लेकिन अमन वीडियो बनाना भूल गया क्योंकि ये पिज्ज़ा देख के उसमें टूट पड़ा। भाई इतनी स्वादिष्ट लग रही थी गर्मा गर्म, तो इसलिए पिज्ज़ा खा लिए, तो वेट नहीं हुआ। और ये हमने अपने दोस्त के लिए पैक करवा लिया है, सौरभ के लिए, जिसको मैं बाइक से लेके आया था। तो अभी हम जा रहे हैं गोलगप्पा खाने, कैसा लग रहा है पुचका खा के? कैसा टेस्ट था पहले खा के बताओ? गाइस मैं पुचका खा रहा हूँ, पुचका खा रहा आकाश अभी। इट्स कॉल्ड गोलगप्पा, बंगाली में पुचका कहते हैं और हिंदी में अब गोलगप्पे कहते हैं। सही है, तीखा है, हाँ मज़ा आ रहा है गोलगप्पा खाते हुए। बहुत ही सही था, थोड़ा तीखा है, मैं जैसे कि तीखा इतना खा नहीं पाता, बट हाँ ठीक है, अच्छा है, तीखा खाने वालों के लिए बहुत सही है। अभी हम जा रहे हैं वापस आकाश की रूम की तरफ, हो गया खाना पीना, बहुत ज़्यादा खा लिए, गोलगप्पे भी खा लिए, मज़ा आ गया गोलगप्पे और पिज़्ज़ा खा के। फिर अब घर के लिए निकलूँगा, फिर निकलने के बाद फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। तो फिर दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए,
देख लो इस दो लौंडे को, दोनों को बाय बोलते हुए, बाय दोस्तों, बाय बाय गाइस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, ताकि अपना अमनदीप जल्दी से जल्दी फेमस हो जाए, बिग बॉस में जाके सिस्टम मिला दे, सिस्टम मिलेगा, सिस्टम हैंग ओवर सिस्टम। तो फिर चलो चलते हैं अभी घर की तरफ, फिर आपको बाइक पे मिलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी टाइम कितना हो रहा है, 9:10, तो फिर लेट नहीं करते, पहुंचने में 10 बज जाएगा, तो फिर चलो बाइक पे मिलते हैं। तो फिर अभी निकल चले हैं दोस्त के घर से अपनी घर के तरफ, थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है, अभी बज रहा है 9:15, 10 तो बज ही जाएगा घर पहुंचते पहुंचते, ठीक है, तब भी टाइम से निकल गए, ज़्यादा लेट नहीं हुआ, जैसे कि 9 लॉग आउट हुआ, 5-10 तो लग ही जाता है निकलने में, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, वो थोड़ी सी बारिश के चक्कर में ना ह्यूमिडिटी बन गया पूरी चारों तरफ, पसीने वाली गर्मी, और ये सबसे गंदी लगती है, चिपचिपी वाली गर्मी, ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। लेफ्ट में जो वाइट लाइट का स्ट्रेट लाइट देख रहे हैं आपको शायद दिख रहा होगा, ये है RRTS, मतलब पूरा RRTS मेट्रो का लाइन है, और पूरा वहाँ तक लाइट है, कितना प्यारा लग रहा है, मतलब पूरे सीधी लकीर जैसे कोई लाइट से लकीर खींच दिया, आई थिंक आपको दिख रहा होगा कितना सुंदर लग रहा है। क्या बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, अब देखते हैं कब ये स्टार्ट होता है, बोल तो रहे जल्दी से स्टार्ट होगा, मुझे लगा था पहले कि 15 अगस्त तक शायद चालू कर देंगे, बट नहीं हुआ अभी तक, देखते कब चालू होता है, जब चालू होगा तो इसका भी एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली करवाऊंगा मैं। तो फिर दोस्तों अभी मैं घर आ चुका हूँ, और 9:55 हो रहा है, ऑलरेडी 10 बजने वाला है, बट हाँ टाइम से घर आ गया, तो फिर बस अब फ्रेश फ्रेश होंगे और फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि आज भूख नहीं है, जैसे कि आपने देखा आज मैंने बहुत कुछ खा चुका है, तो अब पेट में उतनी जगह है नहीं, ठीक है, बस हाँ फ्रेश फ्रेश होंगे, पानी वानी पियेंगे, थोड़ा मम्मी के साथ अब बैठेंगे, बातचीत करेंगे, और फिर सो जाएंगे, तो फिर और आज के लिए कुछ है नहीं। तो आप सबको वीडियो कैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए, वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल को, ताकि आप सबको हमारा और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिले, और बेल आइकन करें तो ज़रूर से दबाइएगा। तो फिर चलिए आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर से कराइए। तो फिर मेरे सारे बड़ों को मेरा प्रणाम है, और छोटों को हेलो है, तो बाय बाय।